गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और इधर मैं बना रही हूँ आलू और प्याज की भजिया। काफ़ी दिन हो गए बनाई नहीं, तो मैंने सोचा आज यही नाश्ता हो जाएगा, ज़्यादा कुछ बनाऊंगी नहीं नाश्ते में। और जब घर पे सारे होते हैं ना, जब भी मन करता है ये सारी चीज़ें खाने का, अकेले वैसे भी मन नहीं करता है, तो बस वही मैं जा रही हूँ बनाने। और मैंने रेडी कर लिया इधर, और इधर मैंने रख दी है चाय, क्योंकि खुशी भी घर पे थी आज, ये भी घर पे ही है, तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। क्या नहीं है अनु का हाथ? नहीं है? कहाँ गया अनु का हाथ? अब मम्मा दे देगी, आ जाओ बेटा, आपकी रखी हुई है। खुशी है अयान का दूध ले आना। अयान सारी चाय पिएगा? नहीं, आप अपना दूध पी लो, ठीक है? हाँ, ये चलो अनु का, चलो चलो। तो वहां लेट क्यों गए? अयान मेरे साथ जा रहा है। कहाँ चलोगे? कह रहा मम्मा चलो बाहर घूमने चलो। और उधर मेरे इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं जो कि मुझे करने हैं प्रेस, तो मैंने निकाल के रख दिए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ किसी से मिलने के लिए थोड़ी देर के लिए, तो वापस मैं आऊँगी, तो फिर मैं अपने कपड़ों पे करूँगी प्रेस। अब मेरे अयान का एप्पल कभी ख़त्म नहीं होता है, सुबह से खा रहे हैं, अभी तक इनका फिनिश नहीं हुआ है। थोड़ा सा खा लेंगे, फिर उठा के रख देंगे, फिर खाने में लग जाएंगे। तो मुझे एक ब्लाउज था वो दे के आना था, तो कल मुझे टाइम नहीं लग पाया, तो कल कोई आ गया था मेरे घर पे, ले आई। मैं इसकी भी ना साथ ही साथ खोल भी ले आऊंगी, है ना? अयान की वजह से सारे अपना फोन छुपा के रखते हैं, तो खुशी का फोन रखा हुआ था पिल्लों के नीचे, पता नहीं किसी का फोन आ रहा होगा, क्योंकि अयान फोन किसी का छोड़ता नहीं है। तो अपने पापा का भी तोड़ चुका है, मेरा भी तोड़ चुका है, तो खुशी अपना हमेशा छुपा के रखती है, और गई है ऊपर अयान को लेके, तो इस वजह से वो अंदर छुपा के गई थी, तभी मुझे आवाज़ आई है जब मैंने देखा है। और दिवाली चली गई है, लेकिन मेरे घर पे देखिए लड़ियाँ भी लगी हुई थी जो कि मैंने कल निकाल दी थी, अयान निकालने नहीं दे रहा था। और बाकी ये माला देखो अभी टंगी हुई है, तभी चलते हैं किचन में। तो अभी जा रही हूँ मैं जूत लगाने, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी पूजा नहीं की है, और अभी टाइम हो चुका है 5:30 बज गए हैं, और बाहर से काफ़ी सारी आवाज़ आती रहती है, और शादियों का सीजन चल रहा है, तो मेरी गली में तो एक दो बारात निकलती रहती है। तो लग रहा मेरा अयान आ गया है, क्योंकि आज खुशी के पेपर हैं कल से, तो उसको पूरा दिन हो गया आज पढ़ाई करते हुए, तो अयान को टाइम नहीं लग पाया कि वो उसके साथ खेलता, तो अब दोनों खेलने में लगे हैं। और आज बनाना है मुझे सरसों का साग, तो वही लेके रखा हुआ है, तो आज मेरा वही डिनर में बनेगा सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो पहले तो मैं जाती हूँ अपनी पूजा करके आती हूँ। और लग रहा अयान और खुशी दोनों आ गए हैं। आ गए? कहाँ गए थे? इतनी आदत इसकी गंदी हो गई है, पूरे नंगे पैर घूमता रहेगा ये, बस उतनी देर ये चप्पल या चप्पल सैंडल इसको उतनी देर पहनने होते हैं, अगर इसको बाहर ले जाना हो तो बाकी ऐसा ही घूमता रहेगा, या इसको टॉयलेट जाना होगा तब ये पहनेगा। और इन दोनों की वजह लड़ाई होती है आपस में,
और बनती भी नहीं है बिल्कुल भी, इसके बगैर रह भी नहीं सकता है, ये ऐसी इसकी आदत पड़ गई है। चलो मैया मैया करो मानू, चलो मैया मैया करके आऊं। ये तो इसकी आदत अच्छी है, जब मैं पूजा करने जाती तो मेरे साथ ही जाएगा। कभी कभार ऐसा हो जाता है जैसे ये सो रहा हो सुबह तो नहीं जाएगा, नहीं तो हमेशा जाके खड़ा हो जाता है। चलिए बातों में मैं लगी रहूंगी ऐसी। तो भैया चले गए हैं, अभी आए हुए थे और मुझे ये लगवाना था क्योंकि ये काफ़ी दिनों से रखा हुआ था लगवाने के लिए, तो उनको टाइम नहीं लग पा रहा था क्योंकि वो ड्यूटी से आते हैं लेट, कभी 9-10 बजे आते हैं तो इस वजह से नहीं लग पा रहा था। तो आज मैंने ये लगवा लिया है और हो गए शायद 1 महीना हो गया जब से ये रखा हुआ था। और आज मेरे अयान ने क्या करा, फेस वॉश रखा हुआ था यहाँ पे, तो उसकी बोतल का इसने ढक्कन था तो वो तोड़ दिया, तो ये शैम्पू की बोतल रखी हुई थी खाली जो कि ख़त्म हो गया था, तो मैंने इसी में भर के रखा हुआ है। ये देखने में ऐसा लग रहा कि शैम्पू रखा हुआ है लेकिन इसमें मैंने हैंड वॉश डाल के रखा हुआ है। तो बस ये मेरा लग गया है और रायान मेरा अभी तक सोया नहीं है, छोटू दादा बना घूम रहा है। बेटा आपको गर्मी लग रही है, स्वेटर भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, क्या बात है, इसको चैन नहीं है बिल्कुल भी। तो अब मैं जा रही हूँ कपड़ों पे प्रेस लगाऊंगी जाके, जो कि मैंने दिन में नहीं लगा पाई थी, मन ही नहीं करा, दिन में नींद आ गई तो मैं सो गई, और एक बार सो जाते हैं ना तो फिर कोई काम करने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। तो आज का वीडियो मैं ये एंड करूँगी, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कॉमेंट करके बताना कैसा लगा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अयान मम्मा ब्लॉग, और बेल आइकन को क्लिक करना ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।